नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। छठ पर्व का आगाज हो चुका है, क्योंकि नहाए खाए के दिन से ही इस छठ पूजा की विधिवत रूप से शुरुआत मानी जाती है। कल खरना था और आज पहली अर्घ है, यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। शाम में उसको लेकर कर गंगा किनारे जो भी घाट हैं उनको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। और इस समय हम हैं बुंदेलटोली घाट पर। आप देख सकते हैं बुंदेलटोली घाट है और गंगा किनारे एक छोटा सा तालाब का निर्माण किया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा। और क्योंकि यहाँ से गंगा किनारे काफ़ी दूर है, लोग गंगा किनारे जो जा पाने में सक्षम है वो वहाँ जाकर अर्घ देंगे, और जो लोग अगर नहीं जा पाने में असमर्थ हैं उनके लिए एक छोटा सा तालाब जो है निर्माण किया गया है। क्योंकि ये छठ पर्व को प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है, इसलिए इस तालाब को जो है प्राकृतिक रूप दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधी आपके सामने हैं, केले के घौर जो है वो लगाए गए हैं और बिल्कुल फूल माला से जो है इसको, इस तालाब को, छोटे से जो तालाब है उसको सजाया गया है। और जो ऊपर में देख रहे हैं कि बैलून है उसको उसके इतना अच्छे तरह से सजाया गया है कि मानो किसी के भी दिल में यह सहज ही उतर जाएगा। चारों तरफ देखिए तालाब को जो है बिल्कुल केले के घौर और बैलून और फूल माला से जो है सजाया गया है। यहाँ के कुछ कमेटी के लोग हैं, उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तालाब का निर्माण कराने का पीछे कारण क्या है। जी आप बताइए, इस तालाब के निर्माण करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि इस पर्व को हम लोग प्रकृति का पर्व मानते हैं, इसलिए इस पर्व को हम प्रकृति का पर्व मानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ व्यवस्था करवाए। जो आदमी गंगा जी नहीं जा सकते हैं उसके लिए यहाँ व्यवस्था किया गया, जो चलने फिरने में असमर्थ हो या जिनको व्यवस्था नहीं हो उनको यहाँ आके अर्घ दे सकते हैं। घाटों पर जो तैयारी होती है वो पूरी तरह कर ली गई? हाँ, पूरी तरीके से कर ली। हम लोग 3-4 दिन से इस घाट को सजाने में लगे हैं। तो जो लोग घाट पर नहीं जा पाएंगे उनके लिए जो व्यवस्था किया गया है यहाँ करके अर्घ दे सकते हैं। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि ये कमेटी के लोग थे और बुंदेलटोली घाट पर इस समय हमें, और इस घाट को आप उनको सुन सकते हैं कि जो गंगा किनारे जो जा पाने में असमर्थ हैं वो इस छोटे से तालाब का निर्माण उन लोगों ने कराया है, और इस छोटे से तालाब में आकर वो अपना भगवान भास्कर को अर्घ दे सकते हैं। हम आपको बता दें कि छठ पर्व को लेकर के पूरी गंगा घाटों को एक तरह से कहिए कि पूरी तरह से सजा दिया गया है और फिनिशिंग टच दे दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र भी व्यवस्थाएं की गई हैं और हर घाटों पर NDRF की टीम और तैयार किए रखा गया है, ताकि किसी तरह का कोई भी व्यक्ति जो है अगर ज़्यादा गहराई वाली पानी में भी जाए तो उसे समय NDRF के जवानों के द्वारा बचाया जा सके। और पुलिस की टीम भी जो है कड़ी सुरक्षा के लिए गंगा घाटों पर लगा दिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व जो छठ पर्व है उसको माना जाता है, और भगवान भास्कर यानी अस्तगामी सूर्य को आज अर्घ दिया जाएगा और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाना है। और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद जो है इस 4 दिवसीय छठ का समापन हो जाएगा। रजनीश, न्यूज़ फोर नेशन, पटना सिटी।